और बहुत धीरे गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही चार राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये चार ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनको उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है।